अभी आपने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देखा, उसी तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिया कि यहां एक सूर्य है, सपोज दैट हमने क्या किया, एक सूर्य लिया, मान लिया ये अपना सूर्य है, क्लियर। तो पहले इसके एनाटॉमी को हम लेंगे, आंतरिक संरचना। पहले हम क्या लेंगे, इसके आंतरिक संरचना को लेने की कोशिश करेंगे। जो आपने देखा तो जो सबसे पहले जो संरचना हमारे पास आ रही है मान लिया ये कोण है, ये सॉरी थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा, ये आप ध्यान देखना, ये जो है पृथ्वी का जैसे कोर है उसी प्रकार से इसका भी कोर है। थोड़ा सा हम दूर ले गए यहाँ पर, ये इसका क्या है कोर, यही पर संलयन हो रहा है, लाखों अरबों डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और तापमान यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कोर है, सूर्य का क्या है कोर है। अब इसके चारों ओर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इसके चारों का ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र जिसका भी तापमान बहुत ज्यादा है, तो जानबूझकर वैसे कलर लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझने के लिए बस। ये जो इसका भाग है ये रेडिएटिव पार्ट है, ये तो कोर है, ये इसका क्या है विकिरण करने वाला, जैसे उस डायग्राम में आपने देखा था ये रेडिएटिव है, विकिरण मेखला है, यहां से रेडिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है रेडिएशन, यहां से क्या हो रहा है रेडिएशन, इसको हम नाम देंगे रेडिएटिव पार्ट। रेडिएटिव जोन है ये, क्या है जोन, विकिरण मेखला, क्लियर।
इसके बाद का जो भाग है आंतरिक भाग में, जो इसके अंदर है, इसको थोड़ा सा हम ग्रीन कलर से ले रहे हैं, ऐसा नहीं ग्रीन कलर का ये है आपको समझाने के लिए। ये पूरा का पूरा जो भाग है, यहां से क्या हो रहा है, ऊर्जा का संवहन हो रहा है ऊष्मा का। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हमारे पास अब आया, ये जो भाग है, ये है समवहनी जोन या समवहनी मेखला, कॉन्वेक्टिव जोन या कॉन्वेक्शन जोन। कॉन्वेक्शन जोन, समवहनी या समवहन मेखला, यहां से ऊष्मा का समवहन हो रहा है। तो समवहन क्रिया जल और गैस में होती है, ध्यान रखना। तो ये इसका आंतरिक भाग है सूर्य का, सूर्य का ये क्या हुआ, आंतरिक भाग है। ये सूर्य का क्या हुआ, आंतरिक भाग है, जो आपने ये देखा। ये इसको भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब इसके ऊपर इसका बाहरी भाग है। अब जो बाहरी भाग में जो सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये है फोटोस्फीयर। अर्थात प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। यहां पर हम एक देख कोशिश, इसका जो तापमान है सतह का बताया वैज्ञानिकों ने 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। अब इसके बाहर जैसे आपसे बात हुई थी कि जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका भी वायुमंडल है, तो इसके ठीक बाहर जो है पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके चारों तरफ ये सूर्य का वायुमंडल है। किसका वायुमंडल है, सूर्य का। और सूर्य के वायुमंडल को नाम दिया गया क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर यानी अर्थात वर्णमंडल, ये क्या हो गया, वर्णमंडल। इसके चारों तरफ जो ये पार्ट है क्रोमोस्फीयर है, इसके चारों तरफ एक मंडल और है, वो उस काफी सटा हुआ, काफी इसके करीब होगा ये। तो ये वायलेट कलर से मैं ले रहा हूं ये, और ये अक्सर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तभी दिखाई देता है, और इसको नाम हम देते हैं कोरोना। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये जिस रूप में दिखाई देता है उसको हम नाम देते हैं डायमंड रिंग। सूर्य ग्रहण के समय ये तेजी से चमकता है, इसलिए कहा जाता है कि नंगी आंख से न देखें, डायमंड रिंग। तो ये सूर्य की क्या है, अंदर से एनाटॉमी और बाहर, यहां तक आंतरिक भाग है, ये सूर्य का कोर है। अब कोर है तो कोर का जो तापमान है, कोर का तापमान आपको बताया गया था
1.5 करोड़ केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, इमेजिन करो आप डिग्री सेंटीग्रेड प्रकाश मंडल का इतना। अब जो क्रोमोस्फीयर है इसका वायुमंडल, इसका तापमान कितना होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ज्यादा होता है। सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वायुमंडल का 50 तक निचले वायुमंडल का चल जाता है, उसके गुरुत्व के ऊपर भी निर्भर है। तो यहाँ सूर्य का गुरुत्व पृथ्वी से कई कई हजार गुना ज्यादा है, तो इसका वायुमंडल काफी सघन है और सतह का तापमान भी बहुत ज्यादा है। तो सघनता के कारण जो तापमान उत्सर्जित हो रहा है वो उसका वायुमंडल रोक रहा है, तो तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है। तो वर्णमंडल के लिए बताया गया कि इसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो ये इंटरनल आपने देखा उस स्थिति में कि जैसे मैंने दिखाया था आपको, तो यहां पर ये स्थिति आपको दिख रही है कि जो प्रिंटेड है ये लिया गया, ये कोर है, फिर इस तरह से आप देखो रेडिएटिव जोन है, कॉन्वेक्टिव जोन है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और क्रोना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहां हमने क्या किया, समझाने की कोशिश की आपको। अब आप देखो यहाँ पर सन स्पॉट है जिसको बोला, इसका तापमान कितना है यहाँ सन स्पॉट का, तो जो फोटोस्फीयर का तापमान है उससे लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। तो सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग हो जाएगा 4200 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये स्थिति हमने क्या किया उधर। अब आप देखो इसकी क्रिया विधि को हम देखेंगे। ये आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी परिस्थिति देख लिया, अब इसकी क्रिया विधि को लेंगे। तो क्रिया विधि के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम दूसरा लेंगे, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये मान लिया कि एक सूर्य है, क्लियर, ये इसका क्या हुआ केंद्र हुआ। ठीक, तो ये क्या है फोटोस्फीयर, जिसको हमने नाम क्या दिया था प्रकाश मंडल। ये क्या हो गया फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल तापमान आपको पता हो गया है, प्रकाश मंडल तापमान कितना आपने बताया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये इसका वायुमंडल, इस वायुमंडल को नाम आपने क्या दिया था, अभी क्या नाम लिया गया क्रोमो स्फीयर, अर्थात वर्णमंडल, क्या नाम लिया वर्ण मंडल, जिसका तापमान सामान्य तरंगे रुक रही है तो ज्यादा है, और इसके चारों तरफ एक ये डायमंड रिंग होगी, क्या होगी ये
ठीक चर्चा कर लिया। अब देखो यहां मौलिक तथ्य पर आएंगे। अब यहां से जो है सूर्य के प्रकाश का उत्सर्जन कहां से हो रहा है, फोटोस्फीयर से। कहां से हो रहा है, फोटोस्फीयर से, फोटोस्फेरिक पार्ट से ये सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ऐसे मान। और ये लघु तरंग के माध्यम से आएगा, एक हीट फिजिक्स के अंतर्गत उष्मा भौतिकी के अंतर्गत सिद्धांत है, उसके अंतर्गत बताया गया कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी उससे उत्सर्जित होने वाली उष्मा की तरंगों की लंबाई उतनी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, थोड़ा सा इसको मैंने जानबूझकर छोटा किया। अब ये जो तरंगे आ रही हैं ये किस माध्यम से आ रही हैं, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो फंडामेंटल कार्य हो रहा है जलवायु विज्ञान की क्या है, जान है। जलवायु विज्ञान जब शुरू करेंगे तो इसको लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत किस माध्यम से आ रही है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से। ठीक, विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से ये पूरी की पूरी रेडिएशन आ रहा है। और जो रेडिएशन हो रहा है ये, यही इसको हम नाम क्या देंगे, सोलर रेडिएशन। क्या नाम दे देंगे, सोलर रेडिएशन। क्या नाम देंगे इसको, सोलर रेडिएशन, सौरिक विकिरण। रेडिएशन सौरिक विकिरण। अब ये सौरिक विकिरण जो है धीरे धीरे यहां पर हम बनाएंगे पृथ्वी, ये ब्लू प्लैनेट अपनी पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। और ये पृथ्वी का वायुमंडल, ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का वायुमंडल है, क्लियर। अब ये जो सौरिक विकिरण हमारे पास आया, ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते हुए छन छन कर भू सतह तक पहुंचा, ये सबसे पहले तो दिमाग में ये रखें, ये क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है। क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ।
अने सॉल्ट, सॉल्ट वेव लेंथ वाली लघु तरंगे हैं। क्या ये लघु तरंगे, लघु तरंगे हैं, लघु तरंग है ये। और जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की, अब इसका नाम दिया जाएगा इंसोलेशन, अनि अर्थात सूर्या तप, यानी सूर्या तप। अब देखो कितने फैक्ट हमारे पास आ रहे हैं, ये जलवायु विज्ञान में आएंगे। अब कुछ फैक्ट की तरफ यहां चले, जो सूर्य का उत्सर्जन, सूर्य की ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कहां से, इस पार्ट से, यहां से। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की ऊष्मा का उत्सर्जन कहां से हो रहा है, फोटोस्फीयर से। तो फोटोस्फीयर से जो उत्सर्जन हो रहा है, यहां से इस भाग से उत्सर्जन हो रहा है, किसका, ऊष्मा का। इसकी ऊष्मा के उत्सर्जन की दर क्या है जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी। इस ऊष्मा के उत्सर्जन की दर है लगभग 1,00,000 हॉर्स पावर हॉर्स पावर जानते हैं घोड़े का पावर, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को डिफाइन किया जाता है, 1 हॉर्स पावर का, 5 का 10 का है। तो 1,00,000 हॉर्स पावर उत्सर्जन हो रहा है प्रति मिनट प्रति वर्ग इंच के दर से, यानी 1 वर्ग इंच से प्रति मिनट 1,00,000 हॉर्स पावर की ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है सूर्य की सतह से। 1 मिनट में 1,00,000 हॉर्स पावर, 1 वर्ग इंच में तो कितना वर्ग इंच होगा और कितनी ऊष्मा होगी। लेकिन ये ऊष्मा जो है, जो पृथ्वी की सतह प्राप्त करती है, मात्र उसका 2/1,000 पृथ्वी की सतह जो प्राप्त कर रही है ऊष्मा, यहां पर ये ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है मात्र 2/1,000। और किस दर से ये प्राप्त कर रही है, कौन से दर से ये प्राप्त कर रही है, तो मात्र 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से। ये कितना बताया गया कि मात्र 2/1,000 है, कितना है, 2/1,000। अब बोलो इतनी कम ऊर्जा से क्या होगा, लेकिन यह भी ऊर्जा कितनी है आप सोचो, जो 2/1,000 मात्र पृथ्वी लगभग 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त कर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में 2 कैलोरी प्राप्त कर रही है पृथ्वी की सतह। एग्जैक्ट, वह भी एग्जैक्ट देखो, ये 1.94 कैलोरी, ठीक। तो ये इतनी कम, कहने का मतलब कि अपने दिमाग में जाएगी इतना कम, लेकिन भाई ये ध्यान रखो कि ये जो कम भी है, ये जो इसकी मात्रा है, 1 मिनट में इतनी प्राप्त हो रही है पृथ्वी की सतह प्रति मिनट हॉर्स पावर प्राप्त कर रही है, 23 ट्रिलियन, यानी 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर प्रति मिनट ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त कर रही है सूर्य से। अगर इस ऊष्मा को अगर हम अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर लें, तो विश्व का कितना विकास होगा। हम कहते हैं ना, विज्ञान ने खूब विकास कर लिया, नहीं, अभी और करना है। तो
इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो हमारी जो विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता वह भी फ्रेश एनर्जी मिलेगी। जीवाश्म ईंधन से हम दूर हो सकते हैं जो कि प्रदूषण का कारण बना है। तो कितनी संभावना सूर्य हमें प्रदान कर रहा है सब कुछ के साथ ही। अभी अब देखो जो ऊष्मा शॉर्ट वेव से प्राप्त की पृथ्वी, अब उसको ये क्या करेगी, रेडिएट करेगी। क्या करेगी, रेडिएट करेगी। पृथ्वी क्या करेगी, पुनः उत्सर्जित करेगी, इसका वायुमंडल भी करेगा। ऊष्मा बजट में डिटेल हम लेंगे। और ये जो होगा ये दीर्घ तरंग के द्वारा, ये जो होगा ये क्या है, पार्थिव विकिरण है। इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण ये किसके द्वारा करेगी, लॉन्ग वेवलेंथ। यहां पर हम क्या लेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ। दीर्घ तरंग के द्वारा ये क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। और ये दीर्घ तरंगें वायुमंडल के संरचना के द्वारा रोकी जाएंगी और इससे हमें क्या प्राप्त होगी, हीट। इनसे ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हीट प्राप्त होगी। हीट बोले तो ऊष्मा। क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा अर्थात हीट प्राप्त होगी। इसको ये रोकेगी, कौन रोकेगी, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें इसको क्या करेंगी, रोकेंगी। ये वायुमंडल की परतें क्या करेंगी, इसको रोकेंगी। अब सामान्य रूप से रोकती है, अब तो छद्म विकास जो हमारा चल रहा है, विकास के नाम पर जो प्रदूषण हुआ तो उससे उत्सर्जित गैसें, धूल, राख और पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं जमा हो गए, तो इस पूरे वायुमंडल को सघन बना दिया। तो इसको रोकने लगे तो ग्रीष्म ऋतु कहने पर गर्मी बढ़ने लगी, तो जिसको हमने नाम किया दिया ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं, ये जलवायु विज्ञान में जब हम आएंगे तो फिर वापस आएंगे। इसके अतिरिक्त जो आपने ये देखा, सूर्य का जो बाहरी भाग है, फोटोस्फीयर जो चारों तरफ से है, इसके ऊपर क्या है कि प्रत्येक 11 ईयर्स के बाद, प्रत्येक 11 वर्ष के बाद इस पर ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं भौतिक रासायनिक क्रिया के द्वारा। तो जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं तो जो मौलिक तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे लगभग इन ब्लैक स्पॉट का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ 4200 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। अब इस ब्लैक स्पॉट का इंसुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से जलवायु कैसे प्रभावित होती है, ये जलवायु विज्ञान वाले टॉपिक में आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये आज हमने आपसे क्या चर्चा की, आकाशगंगा का स्वरूप, तारामंडल का स्वरूप, नक्षत्र का स्वरूप, राशि चक्र का स्वरूप, और सबसे बड़ी चीज ये कि अपने सूर्य यानी एक तारे की उत्पत्ति, विकास, मृत्यु, उसकी आंतरिक संरचना, उसकी क्रियाविधि। ठीक, इतनी हमने क्या कर ली, चर्चा आपसे कर ली। बाकी जब जलवायु विज्ञान की शुरुआत हम करेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे और वहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन का दायरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। वैसे ये जो क्रियाविधि है जलवायु विज्ञान की क्या है, जान है। क्लियर। अब देखो कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे ये आपने देख लिया ना, ये सब कुछ। जैसे एक टर्म आता है हमारे पास कॉस्मिक वर्ष, सौर वर्ष क्या है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में लगाती है 365 दिन में, उसी तरह सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, सौर परिवार के साथ पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है,
परिक्रमण कर रहा है, तो उस परिक्रमण का समय जो है वही जो है कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। और ये माना जाता है कि लगभग 250 मिलियन वर्ष में, लगभग 25 करोड़ वर्ष में सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है, तो कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष, ठीक। यानी एक तरह से उसका परिक्रमण काल भी है, रेवोल्यूशन पीरियड भी है। जैसे पृथ्वी का रेवोल्यूशन पीरियड क्या है, 365 दिन, उसी तरह सूर्य का 25 करोड़ वर्ष। इसके बाद सौर परिभ्रमण, सोलर रोटेशन, जैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने धुरी पर, उसी तरह सूर्य भी कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, सूर्य 60 डिग्री झुका हुआ है। तो उसका कहने का मतलब कि सूर्य एक चक्कर अपनी यानी एक रोटेशन कितने दिनों में पूरा करता है, तो पृथ्वी का जो समय है इसका लगभग 25.8 दिन में एक चक्र वो पूरा करता है घूर्णन गति। तो एक तरह से देखा जाए तो दिन की अवधि कितनी हो गई हमारे 25.8 दिन के बराबर, क्लियर। इसके बाद एक टर्म्स और आता है, सही टर्म आता है शब्दावली, कॉस्मिक यूनिट, कॉस्मिक इकाई क्या है। तो कॉस्मिक इकाई एक प्रकार की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है 14.91 करोड़ किलोमीटर वो है। एक टर्म समझ लिया था, प्रकाश वर्ष बोला था ना कि ब्रह्मांड का विस्तार 1 अरब प्रकाश वर्ष तक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो एक लाइट ईयर की जो दूरी होती है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। अब आप इमेजिन करो कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, और ये इमेजिन आप करें कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, तो वहां से प्रकाश को आने में मात्र 8 मिनट लगता है, तो एक वर्ष में कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो प्रकाशिक जो प्रक्रियाएं हैं, तो प्रकाश वर्ष जो है कहा जाए कि ये क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, दूरी की इकाई है, और ये माना गया लगभग 9.46, कितना, एक लाइट ईयर बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर, सॉरी, 1 प्रकाश वर्ष कितना लाइट ईयर, क्या नाम दिया, प्रकाश वर्ष। ये है लगभग एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी है 9.46, कितना 9.46 × 10^15 मीटर, ठीक, इतनी दूरी है। अगर इसमें से 2 जीरो हटाएंगे 13 आएगा, तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो इतना यानी प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष, जो लगभग 9.46 × 10^15 मीटर के क्या है, बराबर है। एक यूनिट आती है पारसेक, क्या है, पारसेक, पारसेक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष के टर्म में है, तो एक पारसेक वर्ष यहां हम लिख लें, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, सॉरी एक पारसेक कितना होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये कुछ टर्म्स भी आप देख लेंगे। तो आज हमने आपसे चर्चा की आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, राशि, एक तारे की उत्पत्ति, विकास, मृत्यु, तारे की आंतरिक संरचना ने सूर्य की, और इसके साथ साथ क्या हमने ले लिया, उसकी क्रियाविधि और कुछ टर्मिनोलॉजीज।
यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म को आप फिर से ध्यान दे लेना कि एक जो तारा है जो आपने देखा था, ये एक तारा में जो गैसीय मिश्रण है, जैसे अपना सूर्य है वो क्या है, गैसीय मिश्रण। तो एक तारा में लगभग ये मानकर चलो कि लगभग 70% क्या लेंगे, लगभग 70% हाइड्रोजन होता है। क्या होगा, हाइड्रोजन। 28% हीलियम होता है और शेष जो 2% उसमें कार्बन सहित अन्य तत्व होते हैं हल्के। ये फैक्ट छूट गया था। तो एक सूर्य, अपना सूर्य लगभग 70% इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 2% में कार्बन तथा अन्य तत्व होंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे और प्रश्न भी आपके सामने आ जाएगा। ये आपके लिए सामान्य सी परिस्थिति है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आप सामान्य सी परिस्थिति मतलब कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके कोर्सेज हैं उससे अलग है, लेकिन भूगोल पढ़ने से पूर्व ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कल भी बात हुई थी, आगे भी बात होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार, उसकी मुख्य अवधारणा को समझाते हुए जो हमारे पास मान्यता प्राप्त 8 ग्रह हैं, प्लानेट हैं, उनसे संबंधित उपग्रह, उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सूर्य और पृथ्वी के संबंधों पर चर्चा करेंगे। क्लियर, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ओके, थैंक यू।